जिस चीज का डर था भाई वही हुआ हमारे साथ भाई, सोचा ही नहीं था आज हमारे साथ काफी टाइम बाद ये वाला हादसा होगा भाई। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस सुबह के 9 बज चुके हैं भाई और फाइनली हम पहुंच चुके हैं बठिंडा में। तो गाइस कंटिन्यू चल रहे थे, अभी रुके एक जगह और ये रहा अपना ढाबा। यहाँ हमने चाय वगैरह पी के मैंने सोचा भाई आज का भला करते हैं यहीं से कंटिन्यू। और गाइस अभी तक जिन भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया गाइस कर दो। और आप सोच रहे होंगे राजा भाई इंदौर से चला गया खालघाट, वहाँ से गाड़ी लोड की और बीच का सफ़र कहाँ रह गया। उसका रीज़न ये है भाई, हमारी मंडी 50 घंटे की थी और हमारी गाड़ी सुबह 2 बजे उन्होंने छोड़ी थी भाई। और आपको पता है भैया 50 घंटा मंडी करना ना बड़ा मुश्किल है भाई। हम ये नहीं लिखेंगे कि फलानी फ्लाइट हो गई या इतने घंटे की मंडी कर ली। तो गाइस कंटिन्यू चलते रहे और मैं बिल्कुल सोया नहीं, पूरी रात चलता रहा। अभी सुबह से छोटू भाई चल रहे हैं और धुंध इतनी है ना भाई जिसका कोई हिसाब नहीं। और धुंध की वजह से ना हमारी गाड़ी की सारी शाइनिंग चली गई भाई, बता देता हूँ आपको। और चेक कर रहे भाई कितनी धुंध है। और इब्राहिम भाई ठंड फील हो रही है, बहुत ठंड है इधर पंजाब में आके ना, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है भाई। और यहाँ देख रहे हो हालत गाड़ी की, हालत छोटू भाई ऐसा लग रहा है जैसे स्टील साफ ही नहीं किया। देखो ना ये करेंगे भाई करेंगे, आप जम्मू पार करके क्योंकि धुंध है जम्मू तक तो करेंगे। और गाइस ये वाला फॉर्म है ना, इस फॉर्म की वजह से ना आज गाड़ी में ना बिल्कुल हवा वगैरह नहीं जा रही है। तो छोटू भाई रखेंगे कंटिन्यू सफ़र। इब्राहिम भाई चलो भाई चलते हैं यहाँ से और रास्ते का सफ़र आपको दिखाते हैं, चलें। बहुत ज़्यादा ठंड है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड। कम्बल वगैरह रख लो इब्राहिम भाई, कम्बल वगैरह रख लो क्योंकि सर्दी बहुत है भाई। सर्दी की वजह से, सर्दी में ना कुछ भी हो सकता है, ठंड की वजह से बुखार आ सकता भाई, है भाई। बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। दिन के 2:30 बज चुके हैं और फाइनली हमने अमृतसर कर लिया पार भाई। कंटिन्यू चल रहे हैं और गाइस यहाँ ना धूप देखने को मिल गई, वो भी ना एक मंथ बाद मिली थी हमें एमपी में, उसके बाद यहाँ मिली भाई। चेक कर रहे हैं छोटे भाई, कंटिन्यू चल रहा है सुबह से। यहाँ भाई हो रही है एडिटिंग, क्या ठंड लग रही है, नींद आई है। सो जाओ ना, ऐसे सोना है, सो जाओ। कैसी लगी ट्रक लाइफ फिर? ट्रक लाइफ बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है भाई। देख रहे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बोलता यार बहुत मुश्किल है, कैसे जाग रहे हो? मतलब दिन को सोया था मेरे साथ ही और रात को मेरे साथ ही जगता रहा। मतलब देखो हर एक को एक्सपीरियंस हो, ऐसा होना चाहिए भाई, हर एक को थोड़ी फीलिंग फील होनी चाहिए, थोड़ी सी रिस्पेक्ट दी जाए ट्रक ड्राइवर को, ठीक है? आजकल तो वैसे ही कोई रिस्पेक्ट दे नहीं रहा है। अभी कंटिन्यू चल रहा है, कहीं रुकेंगे छोटे भाई? गाड़ी को पानी वानी मार रहा है, गाड़ी लग चुका है भाई रिजर्व। आपको पता भी है हमने ना तेल एमपी से ही डाला था, मतलब जहाँ से लोड की थी वहीं टैंक फुल कर दिया था। लग चुका है रिजर्व, मतलब गाड़ी 5 तो जाएगी आराम से कठुआ में, लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे भाई क्योंकि रिजर्व में हमेशा ना कचरा वगैरह होता है, तो वो कचरा वगैरह अगर फिल्टर में चला गया तो फिल्टर खराब हो जाएगा, ऑयल फिल्टर। तो यहाँ से हम थोड़ा सा तेल डलवाएंगे और भाई पहुँचेंगे अपने जे एंड के में। आपको पता भी है जे एंड के में ना 5 रुपये का फर्क है भाई, 5 रुपये का फर्क है। शाम के 5 बज चुके हैं गाइस और फाइनली भाई हम पहुंच चुके हैं पठानकोट में। और यहाँ देख रहे भाई कंटिन्यू चल रही है अपने साथ एक गाड़ी मेवात वाला भाई, शायद ये ना संतरा भर के है और लगता है कानपुर के, इसे भी कश्मीर का ही भरा है भाई, अपने साथ साथ चल रहा है। और देख रहे हो भाई की गाड़ी की हाइट बहुत ज़्यादा है भाई, हमारे बादशाह में तो हाइट बिल्कुल नहीं आती क्योंकि गाइस हमारी गाड़ी ना 25 फुट है, जिसकी वजह से ना हम हाइट से बिल्कुल बच जाते हैं। अभी कंटिन्यू चल रहे हैं भाई और पहुँचेंगे सीधा कठुआ में, कठुआ में जाके गाड़ी का दोबारा से टैंक फुल करेंगे, उसके बाद ना करेंगे भाई लंच। लंच अभी तक नहीं किया भाई क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट किया था, उसके बाद ना लंच करना भूल ही गए भाई। और ट्रक लाइफ भी ऐसी है जहाँ टाइम पे लंच होता ही नहीं है भाई। ये रहा मैं बात वाला भाई और हाइट चेक कर रहे भाई, बच्चो बाइक वाले। गाइस इतना सफर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं बखनपुर बॉर्डर पे और गाइस आज देख रहे हो भाई यहाँ एक भी गाड़ी नहीं है भाई। और ये रही अपनी बॉर्डर, मतलब ये पंजाब में है और हम इसके बाद इंटर हो जाएंगे अपने सीधा जे एंड के में भाई। ये रही हमारी बॉर्डर और भाई सबसे बड़ी बात, हमारी बॉर्डर पे ना 1 रुपया भी नहीं लगता, मतलब जैसे हर बॉर्डर पे जाओ ना एंट्री वगैरह लगती है, कुछ भी लगता है, हमारी बॉर्डर पे कुछ भी नहीं लगता भाई, सिर्फ बिल्टी देखेंगे और छोड़ देंगे। कोई भी गाड़ी हो ना किसी गाड़ी से बॉर्डर पे पैसा नहीं वसूल किया जाता, क्योंकि भाई हर बॉर्डर पे जाओगे ना वहाँ आपसे हमेशा मतलब लेते हैं एंट्री वगैरह। आज क्या नई चीज़ देखने को मिल गई भाई, यहाँ से देख रहे हो पहले यहाँ से जा रही थी गाड़ियाँ और वहाँ नीचे टूल था, उधर से होके वो नीचे है ना गाड़ियाँ, ये क्या उधर भी गाड़ी उधर जा रही है ना, टूल वगैरह कुछ नहीं है, तो कच्चे माल की गाड़ी है, उनको बोलना टाइम का माल है, टमाटर लोड है, ठीक है? पता नहीं हमारी गाड़ी छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ रहे भाई, देख कच्चा माल है, कच्चा माल, इसको बोल कच्चा माल है यार, इसको बोल कच्चा माल है,
इसको आना पड़ा वापस पुराने रास्ते से, क्योंकि वहाँ से उन्होंने जाने नहीं दिया, क्योंकि भाई यहाँ ना बहुत ज़्यादा रश था। हमने सोचा हम उधर से निकल जाएंगे, लेकिन जो चाहल बंदा होता है ना उसके साथ कौन बहस करेगा। उन्होंने सिर्फ ये बोला ओवरलोड ओवरलोड, भाई देखो यार टमाटर वाली गाड़ी होगी, फ्रूट वाली गाड़ी कौन सी ओवरलोड निकलती है। तो उन्होंने नहीं छोड़ा, हम पुराने रास्ते में आ गए और भाई यहाँ भी रश खत्म हो चुका है, चलो यहाँ से निकलते हैं और आगे जाके रुकेंगे। चाहते हैं भाई देखो हम शाम से पहले पहले ना जम्मू पार कर लें। तो गाइस पहुँच चुके हैं कठुआ पंप पे भाई, और मैं आ गया स्टेयरिंग पे, क्योंकि अब मैं ड्राइव करूंगा कंटिन्यू श्रीनगर तक, बनिहाल तक भाई, बनिहाल से भाई अगर छोटू भाई ड्राइव करेगा। और यहाँ देख रहे हो गाड़ी का टैंक हो रहा है फुल भाई, वो देखते हैं टैंक कितने का फुल हो रहा है भाई, वो भी बताएंगे आपको। तो गाइस रात के 8 बज चुके हैं भाई, और अपना टाइम आ चुका है ब्रार भाई को बाय बोलने का। और गाइस हमारा जो ड्रीम था ना एक ट्रिप अगठी करनी, हमने कर ली, बहुत ज्यादा कैसा रहा एक्सपीरियंस भाई? बहुत ज्यादा मुश्किल था मुझे बोल, ट्रक लाइफ जो होती है ना बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, बहुत ज्यादा मुश्किल भाई। मुझे यही चीज बोल रहा कि राजा भाई कैसे सरवाइव कर रहे यार, गाड़ी में रहना, सोना, खाना पीना और कंटिन्यू चलना, तीन दिन से लगातार चल रहे हैं डे और नाइट, तीन दिन से लगातार तीन दिन से कंटिन्यू चल रहे हैं। तो चलो इब्राहिम भाई को बोलेंगे भाई एक लॉन्ग ट्रिप फिर करेंगे, वो भी बैंगलोर बैंगलोर या मुंबई का। तो चलो इब्राहिम भाई ठीक है फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखना। हम पहुंच चुके हैं जम्मू, और भाई आगे वाली अपडेट आपको आगे चल के देंगे। और यहाँ आगे अपने भाई क्या हाल है जनाब, ठीक हो? बढ़िया, हमारे साथ जाना है? नहीं नहीं भाई हम गाड़ियों पे नहीं जाते, हमने कान पकड़ लिए भाई बोल रहे हैं कान पकड़ लिए। तो गाइस चलो यहाँ से निकलेंगे, ड्राइवर को बोलते हैं भाई यहाँ से निकलेंगे फिर दिखाएंगे उधमपुर में जाके अपडेट। हमने सुना है कि रोड बंद है भाई, हमारी शायद मेहनत ना वेस्ट जाएगी। भागने पहुंच चुके थे नगरोटा में, और यहाँ लग चुका है खतरनाक वाला जाम, क्योंकि गाइस यहाँ से ना छोटी गाड़ियाँ भी नहीं जाने दे रहे, जो पैसेंजर गाड़ियाँ वो नगरोटा तक ही हैं भाई, नगरोटा से आगे नहीं देने जाने दे रहे, क्योंकि गाइस जो शेर बीबी में पुल का काम चल रहा है वो ना कल कंटिन्यू चलेगा पूरा दिन। और भाई उनकी यही ट्रायल है कि बारिशें जब तक स्टार्ट होती है उससे पहले वो काम कंप्लीट होना चाहिए। भाई देखो यार जो भी काम चल रहा है ना हमारी भलाई के लिए चल रहा है, और हमने फ़ोन भी कर दिया पार्टी वाले को कि हम यहाँ पहुँच चुके थे, क्योंकि गाइस हमारी मंडी फेल नहीं होनी चाहिए। तो पहुँच चुके थे भाई टूल पे, और यहाँ देख रहे अपनी गाड़ी का कांटा हो रहा है, क्योंकि आजकल ना टूल पे कांटा वगैरह नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई वहाँ ना बहुत ज़्यादा रश हो रहा था, तो अब साइड पर रख दिया कांटा वगैरह। चलो देखते हैं अपनी गाड़ी का यहाँ वज़न कितना निकल रहा है भाई, उसके बाद यहाँ से भागेंगे। चल 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 चल। सोचा ही नहीं था आज हमारे साथ काफ़ी टाइम बाद ये वाला हादसा होगा भाई। अभी पहुंचे थे यहाँ पे, और भाई यहाँ पे ना गाड़ियाँ बिल्कुल रोक दी इन्होंने, क्योंकि गाड़ियाँ कोई जाने नहीं दे रहे भाई, ऐसा सीन है भाई, गाड़ी रोड बन रही है। और गाइज हम भाग भाग के यहाँ पहुँचे भाई, 50 घंटे की मंडी थी और हमें यहाँ 40 घंटे हो गए, 10 घंटे के बाद हमें कश्मीर पहुँचना था, मतलब 5 घंटे हम एक्स्ट्रा 5 ही जाते भाई, इतना भाग भाग के आए, और हमारी ना मेहनत जो है वेस्ट वगैरह नहीं। हमने पार्टी वाले को यही फ़ोन करके बोल दिया कि हम यहाँ पहुँच गए, उसने बोला कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि वैसे भी यहाँ ना मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है और टमाटर वगैरह ख़राब नहीं होगा। अगर कल भी रोड नहीं खोली तो उसने बोला मैं जम्मू या उधमपुर में गाड़ी आपकी खाली करवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं, टेंशन के बिना रहो। तो गाइज़ अभी एक जगह आकर रुक गए, क्योंकि यहाँ नाका गाड़ी जाने नहीं दे रहे थे। हमारी यही ट्राई थी कि हम उधमपुर फ्रंट पे चले जाएँ, और फ्रंट वाले से एक पीछे नाका है सेकंड नाका, उस पर हम आके रुक के छोटू भाई दिखा देते आपको कहाँ गया छोटू भाई, चला गया वहाँ पे भाई, वहाँ देख रहे हो वहाँ रहा नाका जहाँ वो गाड़ी रुक रही है, छोटू भाई चला गया वहाँ पे। छोटू भाई ने बोला राजा भाई जुगाड़ कर लेते हैं कुछ, आपको पता भी है ना भाई पैसा है तो सब कुछ है। छोटू भाई क्या उनसे बात कर रहे हैं, अगर कुछ हो गया निकल जाएंगे फ्रंट नाके पर, और कल जब गाड़ियाँ छोड़ेंगे गाड़ी अपनी फ्रंट होगी